इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंगकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है। अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरिया में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलेटरी स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। अध्यक्ष महोदय वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड हैं। इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिस एंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन प्वाइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति पूरी अपनी एकता और भरोसा दिखाया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा इस सदन ने विश्वास व्यक्त किया है। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान शून्य से नीचे है, उनके उत्साह में
कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचीन, कारगिल और आदि चाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मुझे इस गौरवमयी सदन यह साझा करने में यह कतई संकोच नहीं है कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रिजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समस्या है, यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं।